वो कौन दो शख्स थे जिन्हें धोनी के संन्यास के बारे में 2 साल पहले पता था? टीम इंडिया में कौन थे धोनी के चहेते जिससे धोनी अपने दिल की बात करते थे? कौन था वो जिसे धोनी ने मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के एक दिन पहले संन्यास के संकेत यह कहकर दे दिए थे कि मैं टीम इंडिया के साथ अपनी आखिरी बस ड्राइव को मिस नहीं करना चाहता? 15 अगस्त 2020 इस तारीख को भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भूल पाना मुश्किल है, क्योंकि इसी दिन टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने का फैसला पूरी दुनिया को सुनाया था। उनके इस फैसले से जहां एक तरफ क्रिकेट जगत में खामोशी छा गई थी, तो वहीं माही फैंस को काफी ठेस पहुंची थी। एमएस धोनी ने भले ही 2020 में अपने इस फैसले के बारे में खुलासा किया था, लेकिन वह अपने संन्यास की इत्तला 2 शख्स को पहले ही कर चुके थे। एमएस धोनी ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत के लिए अपनी आखिरी मुकाबला खेला था। इस मैच में ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर 2 शख्स को बता दिया था। वो 2 शख्स भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर थे। वहीं माही के संन्यास के इतने सालों बाद श्रीधर ने अपनी किताब कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम में इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं अब यह खुलासा कर सकता हूं कि कैसे धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर संकेत दिए थे। मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रिजर्व डे की सुबह मैं ब्रेकफास्ट हॉल में पहला व्यक्ति था। मैं अपनी कॉफी को तैयार कर रहा था जब धोनी और पंत आए। वह मेरे साथ मेरी टेबल पर आ गए। न्यूजीलैंड के पास बल्लेबाजी करने के लिए केवल कुछ ओवर थे और हमें उसके बाद अपनी पारी शुरू करनी। टेबल पर बैठने के बाद ऋषभ पंत ने धोनी से कहा, भैया कुछ लड़के आज ही अकेले लंदन जाने का प्लान बना रहे हैं, क्या आपको दिलचस्पी है? एमएस धोनी ने जवाब दिया था, नहीं ऋषभ, मैं टीम के साथ अपनी आखिरी बस ड्राइव को मिस नहीं करना चाहता। बता दें कि एमएस धोनी ने भारत की ओर से 350 वनडे, 98 T20 इंटरनेशनल और 90 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 17,266 रन निकले हैं। वहीं उन्होंने 108 अर्धशतक और 17 शतक लगाए हैं। वह इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो अपनी टीम को 3 ICC ट्रॉफी दिलाने में सफल हुए हैं। उन्होंने 200 वनडे मैच में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए 110 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसी के साथ वह इस फॉर्मेट में सबसे कामयाब कप्तान बने।